नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और आज मैं आपके लिए किचन में उपयोग में आने वाली बेहद ही उपयोगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूं, जिससे हमारे धन की भी बचत होती है, समय की बचत होती है और हमारी मेहनत भी बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो है पूरियों को बनाने के लिए देखिए, अक्सर हम आटा बनाते हैं पूरियों का, तो हमारा आटा कुछ बच जाता है, सभी लोग खाना खा चुके होते हैं और पूरियाँ हमारी एक्स्ट्रा होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप सारी मेरी ये ट्रिक है कि आप आटा उठा करके ना रखें, आप इस तरीके से सभी पूड़ियों को बना लें। तो ये मैं मसाला पूड़ी बना रही हूँ, तो इसके लिए आप एक टिफ़िन ले लें पूड़ियों के साइज़ का और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नीचे ऑयल लगाएं और पूड़ी रखें, उसके बाद इस तरीके से आप ऑयल लगाएं, उसके बाद आप फिर पूड़ी रखें। तो इस तरीके से आप आटा रखने की बजाय आप पूड़ियाँ बना करके रखें, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। और इस टिफ़िन को उठा करके आप फ्रिज में रख लीजिए और जब चाहें तब आप गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक करके खा सकते हैं, खिला सकते हैं पूड़ियाँ, उन्हें सेक करके खिला सकते हैं। तो इससे हमारे समय की और मेहनत की दोनों की बचत हो जाती है। अगर बहुत सारे मेहमान आने वाले होते हैं तो उस समय हम इस तरीके से पूड़ियाँ तैयार करके रख लें, तो जब वो आएँ तो हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ उन्हें सेक कर दे सकते हैं। दोस्तों दूसरी ट्रिक है वो करेले को बनाने के लिए है। तो आप इस तरीके से देखिए, ये जो बीज होते हैं इनका भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें करेले बनाने के लिए, और इन्हें धूप में सुखाने की बजाय आप किचन में ऐसे ही रखें। अब करेले के देखिए छिलके आप बिल्कुल भी ना निकालें, इसी तरीके से आप उन्हें बनाएं, इससे करेले बहुत सारे भी बन जाते हैं और छिलके उतारने से वो आधे भी रह जाते हैं। और करेले में मीठापन लाने के लिए आप जितने करेले हों उतने बराबर की आप प्याज उसमें ज़रूर डालें, अगर आधा किलो बना रहे हैं तो आधा किलो प्याज डालें, और साथ में उसमें सौंफ का यूज़ करें। सौंफ का यूज़ करने से भी मिठास आती है और प्याज का यूज़ करने से भी करेले कड़वे नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से आप मसाला तैयार कर लें, आमचूर डालें या फिर नींबू डालें या फिर कच्चा आम, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, और मसाला बना करके आप इस तरीके से आप करेले को फिल कर लें। तो करेले मैंने धूप में सुखाए थे। अब जो स्पेशल ट्रिक है वो ये है कि आप करेले को इस तरीके से आप टक कर दें एक टूथपिक की मदद से, तो मसाला एकदम भरा रहेगा और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो करेले से मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं बार बार सौंफ डाल रही हूँ, सौंफ से बहुत ही अच्छी टेस्ट भी आता है और करेले कड़वे भी नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है भरवा करेले बनाने की, हमें जो झंझट लगती है वो भी नहीं लगेगी और बहुत ही आसानी से एकदम भरे भरे हमारे करेले बन जाते हैं। इनका मसाला इन्हीं के अंदर रहता है अगर आप इस तरीके से उसमें टूथपिक लगाते हैं। दोस्तों अगली जो टिप है वो है केले को लेकर के, अक्सर एक्स्ट्रा केले आ जाते हैं तो देखिए वो इस तरीके से रखे रखे काफ़ी ज़्यादा पक जाते हैं, तो हमें ऐसे केले को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए और उनको इस तरीके से आप काट करके और इसमें आप दूध ऐड करके, चीनी ऐड करके आप इसका बनाना शेक बना सकते हैं या फिर आप इसे इसी मिक्सर से आप आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये केले और भी ज़्यादा मीठे हो जाते हैं रखने के बाद में, तो इन्हें ख़राब समझ करके आप बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरीके से आप रिफ्रेशमेंट के लिए बनाना जूस बना सकते हैं। देखिए अब इसका दूसरा प्रयोग मैं बताती हूँ आपको कि आप दही ले लें, दही थोड़ा मीठा होना चाहिए, उसको इस तरीके से फेंट लें और उसमें इस तरीके से बनाना जो ज़्यादा पक चुके हैं उसको स्लाइस करके डाल दें, और इसके बाद इसमें आप थोड़ी सी आप पिसी हुई शुगर डाल दें और ये इलायची पाउडर। तो इस तरीके से हमारा ये मीठा रायता तैयार हो जाता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों अगली जो टिप है वो है हम किस प्रकार से टमाटर को छीलें। टमाटर को छीलना बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम लगता है और वो आसानी से छीलते भी नहीं हैं, और कहते हैं कि टमाटर का छिलका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी देता है, तो उन्हें किस प्रकार से आसानी से हम छील सकते हैं। तो टमाटर को छीलने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि हम उसको इस तरीके से, आप चाहें तो किसी फॉक से या नाइफ से इस तरीके से आप लगा करके उन्हें गैस पे गरम कर लीजिए, और गरम करने से इसका छिलका बेहद आसानी से हट जाता है। जब ये अच्छे से छिलका अलग हो जाता है तो इसमें से आवाज़ भी आती है, काफ़ी तेज़ फटने की आवाज़ आती है छिलके की। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा हम इसे ठंडा करेंगे और आप देख सकते हैं कि एक बारी में ही ये सारा छिलका एकदम निकल जाता है। छिलका हमारी सेहत को नुकसान भी देता है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही हार्ड होता है ये छिलका। तो आप इस तरीके से जब चाहें तब आप टमाटर को छील करके यूज़ कर लेते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से टमाटर छिल जाते हैं।
दोस्तों अगली जो ट्रिक है वो है, जब हम कभी बहुत सारी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में बेहद आंसू आ जाते हैं। तो ये जो ट्रिक है वो मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। उसके लिए आप इस तरीके से, जब आप पहली प्याज काटें तो पहली प्याज की जड़ इस तरीके से काटें और इसको आप अपने सर पे रख लें। ये आपको बेहद अटपटा लग सकता है लेकिन ये रियली में वर्क करता है। तो आप इसको सिर पे रख लें, ध्यान रखें कि आपके सर से गिरना नहीं चाहिए, और बाकी की प्याज आप काटेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और उसके बाद जब आपके चाकू थोड़ा सा स्मेली हो जाता है तो आप उसे जो नींबू के छिलके रखे होते हैं उनसे भी साफ कर सकते हैं, तो इसकी स्मेल भी चली जाती है। तो ये प्याज के रिलेटेड हमारी ट्रिक थी। अगली जो ट्रिक है दोस्तों वो है कि जैसे हम घर पे जवे बनाते हैं या फिर मार्केट से हम लाते हैं, अगर वो रोस्टेड नहीं होते हैं तो हमें उन्हें इस तरीके से गैस पर चलाते चलाते रोस्ट कर लेना चाहिए। इस तरीके से अगर हम जवों को रोस्ट करके रख लेते हैं, भून कर रख लेते हैं, तो वो जवे 2-3 साल भी ख़राब नहीं होते हैं। अगर हम कच्चे जवे इसी तरीके से रख देते हैं तो वो जल्दी उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो अब इन्हें ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर में उन्हें भर के रख लेंगे और हम इन्हें सालों साल यूज़ कर सकते हैं। अगली ट्रिक है लहसुन को छीलने से रिलेटेड। तो लहसुन छीलना बेहद झंझट का काम लगता है और गर्मियों के समय में तो यदि पंखा चल रहा है तो सारे छिलके उड़ जाते हैं, तो बहुत ही मुसीबत हो जाती है, इधर उधर छिलके सारे उड़ जाते हैं। तो इनको कैसे हम आसानी से छीलें, तो उसके लिए आप इस तरीके से लहसुन की कलियां सारी निकाल लें, और आप अगर सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा गर्म पानी ले लें, या फिर जल्दी छीलना चाहते हैं तो आप थोड़ा गर्म पानी ले लें। इस तरीके से आप गर्म पानी ले लें थोड़ा सा, और उसमें आप इन कलियों को डाल करके कुछ समय के लिए छोड़ दें। तो इस तरीके से ये छिलका लहसुन से अलग हो जाता है और आप इसे बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। और जब आप इसे छीलेंगे तब इसके छिलके उड़ेंगे भी नहीं हवा में। तो देखिए इस तरीके से आप थोड़ी देर बाद आराम से इन्हें छील सकते हैं और बहुत ही आसानी काम हो जाता है। अगली ट्रिक है हरी मिर्च के अचार को लेकर के। यदि आप हरी मिर्च का अचार डाल रहे हैं या फिर आप हरी मिर्च को सिरके में डाल रहे हैं तो मिर्चें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारी मिर्चें ख़राब ना हो? तो देखिए आप जब भी मिर्च को काटें तो उसे इतना काटें ऊपर से, उसका जो वाइट पोर्शन होता है उसमें फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप देख सकते हैं। और जब आप सिरके में इसे डिप करेंगे तो इसके अंदर तक सिरका चला जाएगा और मिर्च बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप देखिए इसमें जो ऊपर वाइटनेस होती है इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाती है, तो ये वाइटनेस हमें काटनी होती है यदि आप अचार डाल रहे हैं तब भी। और अगर आप देखिए मैंने इतना तो अवश्य ही काटें, और अगर आप इसे सिरके में इसकी मिर्च बना रहे हैं तो इस तरीके से आप मिर्च, आप ये भी देख लें कि मिर्च की क्वालिटी कैसी है। मिर्च में ज़रा भी इम्प्योरिटी खराबी नहीं होनी चाहिए, वो एकदम से हेल्दी मिर्च होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखें, मैं तो आज सिरके वाली मिर्च बना रही हूँ तो मैंने देखे सारी मिर्चों को उस वाइटनेस समेत सारा काटा है। और इस तरीके से हम सिरके में, ये घर का सिरका है, उसमें हम इस तरीके से डिप कर देंगे और साथ ही साथ में हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक। इससे हमारी जो ये मिर्ची हैं 2-3 दिन में तैयार हो जाती हैं और ये बिल्कुल भी इसमें फंगस नहीं लगती और ये ख़राब भी नहीं होती। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।